लास्ट क्लास में मैंने आपको सीपेज बताया था, ठीक है? तो सीपेज जो बताया था उसको दोबारा से जो है फटाफट से रिकॉल करो कि एग्जैक्टली मैंने सीपेज में क्या कॉन्सेप्ट आपको दिया था, ठीक है? कपड़ा रखा है क्या यहाँ पे कहीं पे? जितेंद्र कपड़ा है क्या? ये रहा। तो सीपेज में जो कॉन्सेप्ट बताया था उसको दोबारा से फटाफट देखो। तो सीपेज का क्या कॉन्सेप्ट था? जब भी वाटर सोइल के अंदर होगा तो तीन कंडीशन होगी, या तो फ्लो नहीं होगा, या फिर फ्लो होगा। तो फ्लो होने में दो कंडीशन, या तो डाउनवर्ड फ्लो होगा या फिर अपवर्ड फ्लो होगा, ठीक है? अगर बात करें हम तो क्या क्या फॉर्मूले आपके निकले थे, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया आपको। अगर बात करें अच्छे एग्जाम्स में तो इन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो देखो जरा, एक तो था कि जब फ्लो ना हो, और फ्लो कब नहीं होता है? जब एंट्री पर जो टोटल हेड है और एग्जिट पर जो टोटल हेड है वो कैसा है? बराबर है। अगर बराबर हेड होगा तो फ्लो नहीं होगा, ठीक है? तो नो फ्लो कंडीशन में हमने इस जगह पर स्ट्रेस निकाली थी, जो कि कितनी डिस्टेंस थी? जेड डिस्टेंस थी। यहां से आप डिस्टेंस लेना शुरू करें, ये टॉप सॉइल हो गई, टॉप से डिस्टेंस मेजर करें, कितनी डिस्टेंस पर, जेड डेप्थ पर जो इफेक्टिव स्ट्रेस है उसका फॉर्मूला क्या निकला था? सिग्मा डैश किस जगह पर? इस जगह पर। तो इस जगह पर सिग्मा डैश का फॉर्मूला था गामा डैश मल्टीप्लाइड बाय जेड, ठीक है? फिर दूसरा केस था डाउनवर्ड फ्लो। अगर फ्लो जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो सिग्मा डैश का फॉर्मूला क्या निकला था? गामा डैश जेड प्लस होगा। डाउनवर्ड जब फ्लो होता है तो सीपेज फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और सीपेज स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड आई जेड गामा डब्ल्यू है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको सीपेज प्रेशर कहते हैं। सीपेज प्रेशर, सीपेज प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीपेज फोर्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ए इनटू जेड यानी कि वॉल्यूम कर देंगे तो सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखें। अगर अपवर्ड फ्लो होगा तो अपवर्ड फ्लो के केस में बताया था कि सिग्मा डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? गामा डैश जेड माइनस आई जेड गामा डब्ल्यू। इन तीनों कंडीशन में बस यही केस ऐसा है जहां पर इफेक्टिव स्ट्रेस किसी भी जेड के लिए, किसी भी जेड डेप्थ के लिए इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो सकती है, और इसी के कोरोस्पॉन्डिंग जो कंडीशन आती है उसको क्या कहते हैं? उसको क्विक सैंड कंडीशन कहते हैं, ठीक है? क्विक सैंड कंडीशन के समय हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई जो होता है वो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहलाता है, और इसका मैग्नीट्यूड मैंने बताया था फॉर्मूला जी माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस ई, या फिर इसी को लिख देंगे जी माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस एन, ठीक है? तो ये फॉर्मूला था। फिर मैंने आपको बताया पाइपिंग के अंदर अगर फेलियर से बचाना है तो क्या कंडीशन थी कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो कितना होगा? वो आई सी डिवाइडेड बाय आई होगा, और आई किस जगह पर क्रिटिकल होता है? एग्जिट पर क्रिटिकल होता है। मैंने आपको फ्लो नेट बताया कि फ्लो नेट जो है वो बेसिकली क्या है? स्ट्रीम लाइंस यानी कि फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइंस का, ठीक है, नेटवर्क है। तो फ्लो नेट आपने देखा, और फ्लो नेट के जो यूज थे वो क्या थे? एक तो था सीपेज कैलकुलेशन करना। सीपेज कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला आया था क्यू, क्या आया था? दैट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एच मल्टीप्लाइड बाय एनएफ डिवाइडेड बाय एनडी, और इसको क्या कहते हैं? शेप फैक्टर कहते हैं। और ये जो निकला था फ्लो, ये मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर लेंथ ऑफ द डैम निकलेगा। अगर डैम की लेंथ दे दी जाए 10 मीटर है 20 मीटर है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल जो है वो फ्लो डिस्चार्ज पता लग जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था अपलिफ्ट प्रेशर का, ठीक है? अपलिफ्ट प्रेशर का क्या कॉन्सेप्ट था कि कभी भी अपलिफ्ट प्रेशर निकालना हो, अपलिफ्ट प्रेशर, तो वो हो जाएगा गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय हेड अवेलेबल। यही कॉन्सेप्ट चलता है आपका हर जगह पर, इरिगेशन में भी आपने यही देखा था, ठीक है? अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट केस लेते हैं, नोट करो आप। अगला जो केस है वो है अनकन्फाइंड फ्लो, ठीक है? हेडिंग डाल लो अनकन्फाइंड फ्लो, अनकन्फाइंड फ्लो। लास्ट क्लास में जब आपने फ्लो देखा था तो फ्लो कहां से हो रहा था? फ्लो हो रहा था कहां से हो रहा था? फ्लो देखो जरा, मैंने आपको बोला था ये रॉक है, यहां से यहां की तरफ पानी जा रहा है, ठीक है? ये वाटर का लेवल हो गया, तो पानी कुछ इस तरीके से सीपेज करते हुए जा रहा था, ये लाइन आपने बनाई थी, ठीक है? और यहां पर आप देखो जरा क्या फ्लो कन्फाइंड है? एक तो ये लेयर और इस लेयर के बीच में फ्लो आपका कन्फाइंड चल रहा है, ये तो कन्फाइंड फ्लो है। अनकन्फाइंड फ्लो कैसा होगा? डैम के नीचे से जो फ्लो हो वो तो कन्फाइंड फ्लो है, डैम के थ्रू जो फ्लो हो तो वो क्या है? अनकन्फाइंड फ्लो है। समझे आप मेरी बात को? अगर डैम कॉन्क्रीट का है तो यहां से तो फ्लो नहीं होगा, सीपेज यहां से तो नहीं होगा, लेकिन कहां से होगा? नीचे से होगा, सोइल से। लेकिन अगर डैम सोइल का हो तो कहां से भी फ्लो होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर डैम मान लो कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का है, और नीचे मान लेते हैं कि हार्ड स्ट्राटा है, ठीक है? नीचे हार्ड स्ट्राटा है और यहां पर पानी यदि होगा
तो फ्लो कैसे होगा, फ्लो आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पर फ्लो होगा, बात समझ में आती है, जो फ्लो लाइंस वगैरह बनेगी वो कैसे बनेगी, वो इस तरीके से होगा, नहीं जो सीपेज होगा वो डैम के मटेरियल से होगा, और यहाँ पर ऊपर की लेयर जो है वो फ्री है, एटमोस्फियर है, ठीक है, इस वजह से क्या कहेंगे इसको, अनकन्फाइंड फ्लो कहेंगे। जैसे आपने रिजर्व उसमें देखा था एक्वीफर में, अनकन्फाइंड का मतलब क्या है, ऊपर जो है इम्परमिबल लेयर नहीं है, परमिबल है, कहीं से भी फ्लो हो सकता है, तो वो क्या कहलाता था, वो अनकन्फाइंड कहलाता था। तो इसी तरीके से ये वाला जो फ्लो आपने बताया है ये अनकन्फाइंड है, और ये वाला दो लेयर्स के बीच में से फ्लो हुआ ये कन्फाइंड फ्लो है। बात आ गई समझ में, ठीक है, लिखो अगला टॉपिक है अनकन्फाइंड फ्लो। मेरे साथ में फिगर बनाएंगे, फिगर इंपॉर्टेंट है, फिगर को समझना, थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज होगी, मैथमेटिक्स में पैराबोला की प्रॉपर्टी यूज होगी, अभी से बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, तो बिल्कुल तैयार रहे इस चीज के लिए। फिगर देखो, फिगर कैसे होगा, हेडिंग डालो अनकन्फाइंड फ्लो। इफ द मटेरियल ऑफ डैम इज अर्थन, ठीक है, इफ द मटेरियल ऑफ डैम इज अर्थन, इफ द मटेरियल इज डैम, इफ द मटेरियल ऑफ डैम इज अर्थन, यानी कि मिट्टी से बना हुआ डैम है, तो बेसिकली देखना आप जरा क्या होता है, यहां पर सैंड बेड दिया जाता है इस जगह पर, ठीक है, ध्यान देना, यहां सैंड बेड दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, सैंड बेड से क्या होगा, पानी अट्रैक्ट होगा, यहां से निकलेगा, अदरवाइज कहां से निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि डैम फेल हो सकता है, ठीक है, तो आप चाहते हो कि वाटर जो है वो सैंड के रास्ते से निकले, तो यहां पर कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है, डायग्राम बनाएंगे आप मेरे साथ में, द डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस। ये जो फ्लो लाइन है, ध्यान देंगे, ये जो फ्लो लाइन है ये बेसिकली कुछ इस तरीके से चलती है, ठीक है, नोट कर लो, ये जो टॉप मोस्ट आपने फ्लो लाइन बनाई है, ठीक है, पानी का लेवल इस जगह पे था, यहां पर पानी का लेवल जो है वो इस जगह पर है, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर फ्लो होगा, इन दोनों लेवल में डिफरेंस नजर आ रहा है, तो इस डिफरेंस के कारण फ्लो होगा, तो जो सबसे ऊपर वाली लाइन है फ्लो लाइन, उसी को क्या कहते हैं, फ्रीएटिक लाइन कहते हैं, द टॉप मोस्ट फ्लो लाइन, द टॉप मोस्ट फ्लो लाइन इज कॉल्ड द फ्रीएटिक लाइन, ठीक है, नोट कर लो आप, द टॉप मोस्ट फ्लो लाइन इज कॉल्ड द फ्रीएटिक लाइन, The topmost flow line is the phreatic line. और बाकी lines भी नीचे होगी, इधर भी होगा, पानी ऐसे निकलेगा, ठीक है, इस तरीके से, बाकी lines बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहां पर आप लिखें, this point is denoted as F, the focus, ठीक है, and this is denoted as the directrix. पढ़ी हुई है अपने directrix mathematics के अंदर, आप देखो जो फ्रिएटिक लाइन है इसकी शेप कैसी होती है, ये भी पूछा जाता है, द शेप ऑफ द फ्रिएटिक लाइन इज पैराबोलिक, ठीक है, नोट करते जाओ, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो टॉप मोस्ट फ्लो लाइन है उसकी शेप कैसी है, पैराबोलिक है, यानी कि जो इक्वेशन ऑफ कर्व मिलेगी वो कैसी होगी, पैराबोलिक इक्वेशन होगी, नजर आ रहा है, दिस इज द पार्ट, दिस कर्व इज द पार्ट ऑफ द पैराबोला, ये पैराबोला का पार्ट है, और पैराबोला में ये चीज तो फोकस है, ठीक है, एफ है, और यहां पर आप डायरेक्ट्रिक्स कह रहे हो, मैथमेटिक्स से पैराबोला की प्रॉपर्टी दिखाता हूं मैं आपको, पैराबोला की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रहेगी, तो मैथमेटिक्स में एक डेफिनेशन आती है पैराबोला की, देखो जरा, पैराबोला ये है, यहां पर कोई एक पॉइंट वेरिएबल पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है, ठीक है, यहां से ध्यान देना, यहां से अगर आप ये पॉइंट जो है फोकस कहलाता है पैराबोला का, ठीक है, और ये जो एक लाइन होती है जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, ये लाइन एक्सिस जो है, ठीक है, ये लाइन जो है इस पैराबोला की क्या कहलाती है, एक्सिस कहलाती है, ये पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स, और ये कोई पॉइंट होता है जिसको फोकस कहते हैं, फोकस क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, उसकी कुछ खास बात होती है, क्या खास बात होती है, ठीक है, पैराबोला इज व्हाट, पैराबोला की डेफिनेशन आ जाती है इस जगह पर, पैराबोला क्या है, द लोकस ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन इज सेम, ये वाली जो डिस्टेंस है किसी पॉइंट की, किसी वेरिएबल पॉइंट की, कहां से फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस है, कहां से फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो बराबर है, ये पैराबोला की प्रॉपर्टी है, समझ में आता है, सबको पता है, लिख लो इसको, एकमात्र प्रॉपर्टी जो हम यूज करेंगे इसके डेरिवेटिव में वो यही है पैराबोला की प्रॉपर्टी, कि पैराबोला क्या है, द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज सेम एज द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन, बात आ गई समझ में, तो कभी भी ना किसी भी डेरिवेशन में जो मैथमेटिक्स या फिजिक्स इन्वॉल्व होती है कितनी होगी इन्वॉल्व,
वो ध्यान रखनी चाहिए आपको. तो पैराबोला की ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान रखें. अब ध्यान देना, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि लास्ट वाला जो पार्ट ना पे नहीं होता है, ये एक्चुअल है, ये पैराबोला पर नहीं होता. तो पैराबोला कहां तक आए, पैराबोला को फॉलो किया, लास्ट का पार्ट ऐसे घूम जाता है, लेकिन इसको यदि पीछे की तरफ मिलाएं तो एक पॉइंट यहां पर मिलेगा आपको. इस पॉइंट को मैं दे देता हूं, लेट सपोज दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट वेयर द एक्चुअल फ्लो लाइन मीट्स इज सी, और इसके अलावा यहां से इनका जो लास्ट पॉइंट है यहां से ऊपर की तरफ यदि पॉइंट मिला है तो इसको नाम दे देते हैं बी, और ये पॉइंट को नाम दे देते हैं. बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो पॉइंट के नाम हमने डिफाइन कर दिए, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने डिफाइन कर दिया. अब देखो इस जगह पर डेटम क्या है, डेटम में इसको ले लेता हूं, ये जो लाइन है ये डेटम कहला रही है, डेटम को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं. ठीक है, लेट्स एज्यूम दैट द फोकस ऑफ द पैराबोला इज टेकन एज 0.0. किसको ले रहे हैं, फोकस को मैं 0.0 ले रहा हूं, नोट करो. लेट्स एज्यूम that the focus of the parabola is at 0.0. The focus of the parabola is at 0.0. Practically, ये distance आती है DC, ध्यान रखना, ये आती है 30%. ठीक है, note कर लो. Practically, actual point तो यहाँ मिलेगा, जो flow line actual में होगी वो तो ये है, लेकिन ये इतना सा part parabola पे नहीं आ रहा है, तो क्या किया, जो parabola बना उसको आगे तक लेके गए, जहां पर वो टॉप मोस्ट सरफेस से कॉन्साइड हुआ उसकी डिस्टेंस डेम से देखी तो वो कितनी है, टोटल इस डिस्टेंस का 30% है, 0.3 टाइम्स ऑफ बीसी. ये भी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, नोट करो आप इसमें. अब देखो जरा, ये वाली जो बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री ये कैसी है, इम्परमिएबल है. ठीक है, ये वाली बाउंड्री इम्परमिएबल है. मैंने कन्फाइंड एक्वीफर और अनकन्फाइंड एक्वीफर में डेफिनेशन बताई थी. क्या डेफिनेशन थी, एक बाउंड्री तो इम्परमिएबल है, ऊपर वाली बाउंड्री कैसी है, परमिएबल है, तो कौन सा एक्वीफर है, अनकन्फाइंड है. और अगर दो लेयर्स के बीच में सैंडविच है, फ्लो हो रहा है, तो वो कैसा है, कन्फाइंड है. तो अभी पिछले केस में जब आपने देखा था, जब डैम के नीचे से सीपेज हुआ था तो दो इम्परमिएबल लेयर्स के बीच में से फ्लो हो रहा था, तो वो कौन सा था, वो कन्फाइंड फ्लो था. और ये वाला फ्लो कौन सा है, इसकी ऊपर वाली लेयर कैसी है, फ्री है. डैम में अगर पानी का लेवल बढ़ेगा या घटेगा तो ये टॉप मोस्ट फ्लो लाइन जो होगी वो वेरी करेगी. समझ में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये अनकन्फाइंड है, ऊपर फ्री है, लेवल जो है वेरी कर सकता है. बात आ गई समझ में, नोट करो. अब ध्यान देना, अब इनमें बाउंड्रीज के नाम में आपसे पूछूं, एसी बाउंड्री क्या है, मुझे बता सकते हो एसी क्या है, व्हाट इज एसी, ये इक्विपोटेंशियल लाइन है या फ्लो लाइन है, बताओ जरा. ये लाइन जो है ये इक्विपोटेंशियल लाइन है या फ्लो लाइन है. अगर यहां पर कहीं पर भी आप सैंड पाइप इंसर्ट करोगे, पानी कहां तक जाएगा, फ्री वाटर टेबल तक जाएगा, सरफेस तक जाएगा. तो इसका मतलब क्या, हर जगह पर हेड बराबर है. तो आप बोलोगे कि दिस लाइन एसी रिप्रेजेंट, नोट कर लो, एसी रिप्रेजेंट द इक्वी पोटेंशियल लाइन, पोटेंशियल लाइन. ठीक है, द लाइन एसी रिप्रेजेंट द इक्वी पोटेंशियल लाइन, बिकॉज द हेड अवेलेबल एट एनी पॉइंट. बता सकते हो व्हाट इज द हेड, टोटल हेड अवेलेबल एट एनी पॉइंट स्टार्टिंग में इस जगह पर, व्हाट इज टोटल हेड अवेलेबल एट एनी पॉइंट, व्हाट इज द टोटल हेड अवेलेबल एट एनी पॉइंट. अगर इसको मैं एच कह दूं, यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस है वो एच है, तो देखो जरा, अगर मान लो मैंने यहां चेक किया, ये डिस्टेंस है वाई के बराबर, ये डिस्टेंस है एक्स के बराबर. ठीक है, मान लो कुछ कुछ भी नाम दे दो इनको, ए वन ए टू नाम दे दो, ये ए वन है, ये ए टू है. तो इस पॉइंट का जो एलिवेशन हेड है वो कितना है, डेटम यहां, तो इस पॉइंट का एलिवेशन हेड है ए टू, और इस पॉइंट का प्रेशर हेड है A1, तो टोटल हेड कितना हुआ, A1 प्लस A2. अब किसी दूसरे पॉइंट पर जाओगे तो ये तो हो गया एलिवेशन हेड और ये हो गया प्रेशर हेड, क्या टोटल हेड बराबर है? तो इस लाइन पर हर जगह पर टोटल हेड बराबर है, नोट कर लो. ठीक है, इसी वजह से क्या बोला इसको, इक्विपोटेंशियल लाइन बोला. द टोटल हेड इज इक्वल टू कैपिटल H, नोट कर लो, टोटल हेड एट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन is equal to capital H. बात आ गई समझ में? Important point है, ये आपसे objective में पूछा भी जाता है कि भाई boundaries बताओ, ये boundaries क्या क्या represent करती है. ठीक है, आगे चलो, next वाली boundary देखो, यहां पर इनके भी कुछ नाम रख देते हैं. लेट सपोज दिस पॉइंट इज, ठीक है, लेट सपोज दिस पॉइंट इज H पॉइंट, ठीक है, या कुछ भी नाम रख दो, A B C D E F,
इस स्प्रिंग का नाम ई रख दो, ठीक है। अब आगे देखो, ठीक है, अगर आप देखें एफ एच जो बाउंड्री है, व्हाट इज एफ एच, एफ एच कैसी बाउंड्री है, व्हाट इज द एफ एच, एफ एच कैसा होगा, जो फुल लाइन आई है वो इसके परपेंडिकुलर यहां पर मिल रही है, देख रहे हो आप, यहां से फ्लो आया आया और यहां पर जाकर के परपेंडिकुलर मिला, स्ट्राइक किया, तो परपेंडिकुलर जहां पर स्ट्राइक करता है वो क्या चीज होती है, ये इक्विपोटेंशियल लाइन है। अगर ये फ्लो लाइन है तो ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, नोट कर लो आप, द बाउंड्री एफ एच इज अगेन द इक्विपोटेंशियल लाइन, द बाउंड्री एफ एच इज अगेन द इक्विपोटेंशियल लाइन, एंड व्हाट इज द हेड अवेलेबल एट दिस पॉइंट, एफ एच पर हेड कितना अवेलेबल है, जीरो, क्योंकि डेटम भी यहीं पर है और वाटर प्रेशर कितना है वो भी जीरो के बराबर है, तो आप बोल दोगे द टोटल हेड अवेलेबल एट एफ एच इज इक्वल टू जीरो, द टोटल हेड इज इक्वल टू जीरो, द टोटल हेड अवेलेबल एट दिस बाउंड्री इज इक्वल टू जीरो, नजर आ रहा है, एफ एच पर, एफ एच पर आप लोग बताओ डेटम हेड कितना, डेटम यही है जीरो, प्रेशर हेड कितना, पानी का लेवल कहाँ है, इसी जगह पर है, तो भी कितना हो गया, जीरो हो गया, तो दोनों हेड जीरो के बराबर है, टोटल हेड हो गया जीरो, ठीक है, आगे चलो, द इम्परमीबल स्ट्राटा इज द थर्ड बाउंड्री, तीसरी बाउंड्री वो ये है इम्परमीबल स्ट्राटा, यहां से ए से लेकर के एफ तक, नोट कर लो आप, एफ दिस इज द इम्परमीबल स्ट्राटा इज द थर्ड बाउंड्री, इम्परमीबल स्ट्राटा इज द थर्ड बाउंड्री, तो फ्लो कहां कहां से हो रहा है, देखो एक तो ये वाली बाउंड्री बताई मैंने आपको, एक ये वाली बाउंड्री बताई, एक ये वाली बाउंड्री है और एक ये वाली बाउंड्री है, नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर जो ये बाउंड्रीज आपने देखी है चारों बाउंड्री, इनसे मिलकर के टोटल जो है फ्लोनेट बनेगा, फ्लोनेट कहां बनेगा, यहां पर इस जगह पर जो फ्लो लाइन बनेगी वो ऐसे बनेगी और उसके परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, इक्विपोटेंशियल लाइन बन जाएगा, फ्लोनेट बन गया, तो फ्लोनेट जो बना है, जो सीपेज हो रहा है, वो चार बाउंड्री से मिलकर के घिरा हुआ है, कैसे कैसे, एक तो ये वाली बाउंड्री जिसको फ्रिएटिक लाइन बोला है, एक ये वाली बाउंड्री जहां पर टोटल हेड जीरो है, और एक ये वाली बाउंड्री जो कि इम्परमेबल बाउंड्री है। अब ये जो बाउंड्री है इम्परमेबल बाउंड्री, जो पानी रिसेगा, क्या वो ऐसे रिसेगा, धीरे 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 इस बाउंड्री से रिसता हुआ पानी जाएगा, तो इसका मतलब क्या ये फ्लो लाइन है, दिस बाउंड्री विल बी कॉल्ड द फ्लो लाइन, ठीक है, नोट कर लो, दिस बाउंड्री विल बी कॉल्ड द फ्लो लाइन, और चौथी बाउंड्री आपके पास में ऐसी है, ठीक है, आगे बात समझ में, तो टोटल चार बाउंड्री यहां पर है, The impermeable strata is the third boundary, and the fourth boundary is the phreatic line. And the fourth boundary is the phreatic line. Impermeable strata, ठीक है, ये वाली line, ठीक है, और ये वाली line, ये मिलकर के पूरा जो है यहाँ पर flow net construct करवाएंगे इसके बीच में. These are the boundaries, ठीक है, note किया. आगे चलो, आगे क्या करना है, देखो जरा. ध्यान देना, फोकस को मैंने बोला है, फोकस क्या है, 0.0 है, ठीक है, लिखा आपने ये, फोकस इज 0.0, कोई एक वेरिएबल पॉइंट लेता हूं मैं यहां पर, पैराबोला पे, पैराबोला को कनेक्ट कर दिया फोकस से, और ये वेरिएबल पॉइंट क्या है, x, y है, ठीक है, वेरिएबल पॉइंट क्या लिया, x, y, तो x, y की एक तो डिस्टेंस लेते हो फोकस से, और एक डिस्टेंस लेते हो कहां से, डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस लेते हो, तो यहां पर डिस्टेंस ध्यान देना जरा, डिस्टेंस किस तरीके से मैं दे रहा हूं आपको, ध्यान दो, फोकस की जो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस है इसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, नजर आ रहा है, फोकस की जो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस है वो तो एस के बराबर है, फोकस मेरा ओरिजिन पर है, तो मुझे पैराबोला बराबर करके बताओ जरा, ठीक है, पैराबोला क्या कहता है, पैराबोला की डेफिनेशन क्या है, कि फोकस से किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से किसी वेरिएबल पॉइंट की डिस्टेंस लें तो वो डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस के बराबर है, देखो इधर देखो सारे लोग, तो ओरिजिन से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, The distance will be under root of x square plus y square. ये बात आ गई क्या समझ में? Origin की जब हमने यहाँ से distance ली, तो आपने distance formula लगा दिया, under root of x1 minus x2 का whole square plus y1 minus y2 का whole square. और ये distance कितनी है? देखो, ये है x coordinate. Yes or no? Focus 0.0 था, तो ये तो x coordinate हो गया x. और यहाँ से distance कितनी है s? तो कितनी हो गई? ये total distance x plus s के बराबर हो गई. तो this distance is x plus s. Note कर लो. ठीक है, दिस डिस्टेंस इज x प्लस s. आपने पैराबोला की डेफिनेशन लगा दी, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पैराबोला लिख लो, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस s. अब यहां पे दो बाउंड्री पॉइंट्स बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, ध्यान देना,
कौन कौन से दो बाउंड्री पॉइंट है, ध्यान दो, यहां से आपका पैराबोला स्टार्ट हुआ और कहां जाकर के वो सरफेस को मिला इस जगह पर, तो ये जो डिस्टेंस है फोकस से जो ये डिस्टेंस रहेगी इसको मैं नाम दे देता हूं दिस इज स्मॉल डी, ठीक है, इस डिस्टेंस को मैं नाम दे रहा हूं दिस इज स्मॉल डी, ठीक है, ध्यान दो, किस डिस्टेंस को स्मॉल डी बोला है मैंने, पैराबोला स्टार्ट हुआ यहां से लेकर के जब वो इमेजिनरी, ये वाला पार्ट इमेजिनरी है क्योंकि एक्चुअल तो ये वाला है, ठीक है, जो इमेजिनरी पार्ट एक्सटेंड करने के बाद में डीपर मिलेगा, तो डीपर मुझे हेड के बारे में पता है कितना हेड है एच के बराबर, तो यहां तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है डी है, बात आ गई समझ में, ठीक है, देखो एट द बाउंड्री हमको दो चीजें पता है, एट द बाउंड्री हमको दो चीजें पता है, क्या क्या पता है देखना जरा, एक तो आपको यह पता है एट एक्स बराबर जीरो, ठीक है, जब एक्स बराबर जीरो है तो पैराबोला के लिए आप देखो यहां पर एक्स जब जीरो है तो वाई कितना है, ठीक है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर इस इक्वेशन में रख दे एक्स इज इक्वल टू जीरो तो वाई बराबर एस आ जाएगा, नोट कर लो, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू एस, क्या मतलब समझे आप इसका, जब पैराबोला पर इस पॉइंट के बारे में देखो आप जरा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है ओरिजिन के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा वो एस के बराबर आया, कहां से है यहां से, इस इक्वेशन में एक्स बराबर जीरो रख दोगे तो वाई बराबर एस आ रहा है, आ गई बात, ठीक है, देखो दूसरी बाउंड्री कंडीशन, द सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन कहां पर आएगी, वो आएगी इस जगह पर, इस जगह के लिए वाई कितना है एच के बराबर है, देख रहे हो y का मतलब ये जीरो वाली लाइन होगी x एक्सिस हो गई, तो ये कितना है y कोऑर्डिनेट, तो y बराबर h है कब, जब x बराबर d है, तो नोट कर लो एट x इज इक्वल टू d y इज इक्वल टू h, दूसरी कंडीशन आपकी ये बन रही है एट x इज इक्वल टू d y इज इक्वल टू h, ये बस समझ में, ठीक है, अब देखो इस जगह पर जो इक्वेशन है आपकी इस दिस फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इस फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे और उसके पहले हम फ्लो भी निकालना शुरू कर देते हैं, देखो क्यों निकालना है, तो क्यों किसके बराबर होगा के मल्टीप्लाइड बाय आई मल्टीप्लाइड बाय एरिया के, नोट कर लो आप, क्यू विल बी गिवन बाय के मल्टीप्लाइड बाय आई इंटू ए, डार्सीज लो लगा दिया, लेकिन डार्सीज लो लगाते समय मैं के ई लिख रहा हूं यहां पर, वो क्यों लिख रहा हूं वो देखो जरा, यहां पर दो डायरेक्शंस हैं, दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में जब फ्लो हो रहा है परमिबिलिटी के एक्स है, वाई डायरेक्शन के लिए परमिबिलिटी के वाई है, और आपको बताया था मैंने कि अगर 2D फ्लो हो तो ट्रांसफॉर्म्ड परमिबिलिटी या इफेक्टिव परमिबिलिटी कितनी होती है, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के एक्स के वाई, ये बताया था पहले, ठीक है, चाहे तो उसका प्रूफ भी दे देंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के एक्स मल्टीप्लाइड बाय के वाई, बात आ गई समझ में, ठीक है, अब आगे देखो, अब यहां पर अगर डिस्चार्ज निकालेंगे आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है डेल्टा एच डिवाइडेड बाय लेंथ, तो किसी भी पॉइंट पर यदि खड़े होकर के जैसे इस पॉइंट पर हो यहां चले गए तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा डीएक्स गए थोड़ा सा डीवाई गए, तो हेड में जो ड्रॉप आया वो तो डीवाई के बराबर और हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कितनी चला डीएक्स के बराबर, तो बेसिकली आई कितना होगा, आई हो जाएगा डीवाई डिवाइडेड बाय डीएक्स, ठीक है, y कोऑर्डिनेट हेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और dy हेड में जो चेंज आया वो dy है, कितना जाने पर dx जाने पर, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर गए तो dx चले गए, तो dx जाने पर हेड में जो चेंज आया वो dy के बराबर है, i का मैग्नीट्यूड भी आ गया, ठीक है, अब देखो जरा एरिया लिखेंगे, एरिया कितना होगा बताओ जरा, जैसे इस पॉइंट पर एरिया लिखना हो तो देखो इस पॉइंट पर यदि आप खड़े हो, ठीक है, ये पॉइंट आपका जैसे ये माना हुआ है आपने, इस पॉइंट को देख लो, इस पॉइंट को आपने x, y माना हुआ है, तो फ्लो क्या नीचे नीचे से होगा, ऊपर से तो फ्लो होगा नहीं, ठीक है, ऊपर पहली फ्रीएटिक लाइन जो है वही टॉप मोस्ट फ्लो लाइन है, तो टॉप मोस्ट फ्लो लाइन का मतलब क्या है, फ्लो इतने एरिया से हो रहा है तो वाई डेप्थ से फ्लो होगा और इसको 1 मीटर मान लो, तो बेसिकली एरिया कितना है वो वाई मल्टीप्लाइड बाय 1 के बराबर है, बात आ गई समझ में, कि जब आप किसी पॉइंट एक्स कोमा वाई पर है तो इस पॉइंट पर जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो कितनी है, वो इतनी है वाई के बराबर और इसको 1 मीटर मान लिया, तो टोटल एरिया जहां से फ्लो होगा वो कितना है, वो वाई मल्टीप्लाइड बाय 1 के बराबर है, बात आ गई समझ में, देखो अब अगर आपको डिस्चार्ज निकालना है कि कितना सीपेज यहां से हुआ है तो आपका फोकस कहां पर है, डीवाई बाय डीएक्स निकाल, तो जो इक्वेशन आपने यहां पर बनाई है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, नोट करो आप, ठीक है, तो डिफरेंशिएट द फर्स्ट इक्वेशन, डिफरेंशिएट फर्स्ट इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स,
differentiate the first equation with respect to x. Karo zara differentiate karo. देखो आज के कंपटीशन के दौर में अगर कोई बोलता है कि मुझे सिविल नहीं आती, तो सिविल नहीं आती वो कारण नहीं रहता है. क्या कारण रहता है? मैथमेटिक्स और फिजिक्स की जो एप्लीकेशन है वो सिविल में नहीं आती. आप मैथमेटिक्स और फिजिक्स को अलग से पढ़ते हो, सिविल को अलग से पढ़ते हो, जब तक ये गैप बना रहेगा ना तब तक सिलेक्शन नहीं होगा. तो आप अप्लाई करना सीखो. हर एक छोटी छोटी चीज मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ. डी वाई बाई डी एक्स क्यों बोला, यहां पढ़ते आप वाई का मतलब क्या हेड है, और एक्स में गया कितना, डीएक्स गया, डी वाई बाई डी एक्स की जरूरत महसूस हुई, यहां से सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा. डिफरेंशिएट करवाओ तो डिफरेंशिएट है 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसको डिफरेंशिएट किया तो अंडर रूट टी मान के डिफरेंशिएट करते हो तो 1/2 रूट टी आता है. ठीक है, डिफरेंशिएट हो गया. अब टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y डिवाइड बाई डी एक्स. सही लिखा है क्या मैंने? लिखा होगा और क्या. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1. ठीक है, तो x प्लस s था, इसको डिफरेंशिएट करोगे 1 आएगा, s कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करेंगे 0 आएगा. ठीक है, तो यहां पर 1 आ गया भैया. अब क्या है आपके पास में, क्या साधन है? कोई साधन है? हमारा फोकस है डीवाई बाई डी एक्स निकालने पर. हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये i क्या है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, ये तो कांस्टेंट चलता है, कांस्टेंट वैल्यू है. तो s डिवाइड बाई l, तो हर जगह पर आप कांस्टेंट लेकर के चलोगे, तो किसी भी पॉइंट पर निकाल दो डीवाई बाई डी एक्स, वो हर जगह पर बराबर होगा. चाहे आप यहां चेक करो, यहां चेक करो, यहां चेक करो, हर जगह पर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बराबर चलता है. ठीक है, कांस्टेंट रहते हैं. तो यहां पर क्या करें, देखो एक जगह पर हमको कुछ पता है. क्या पता है? देखो ये रहा, एट एक्स इक्वल टू जीरो वाई बराबर एस है, एट एक्स इक्वल टू जीरो वाई बराबर एस है. तो अगर ये बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे तो क्या जाएगा, एक्स बराबर जीरो पुट करो, एक्स बराबर जीरो पुट करो, यहां पर ये टू वाई है, नीचे भी टू वाई बना, कैंसिल आउट हुआ, डी वाई बाई डी एक्स वन के बराबर आ रहा है. मिला क्या वन? डिवाइड बाई डी एक्स किसी भी पॉइंट पर निकाल लेंगे, हर पॉइंट पर सेम होगा. क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है. हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सोइल के अंदर चेंज नहीं होगा, दिस इज ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी. ठीक है, तो डीवाई बाई डी एक्स आया आपके पास में वन के बराबर. रख दो इस इक्वेशन में उठा करके, तो क्यू आ जाएगा आपका कितना, के ई. ठीक है, के ई, तो आपने रखा इसको अंडर रूट ऑफ के एक्स मल्टीप्लाइड बाई के वाई मल्टीप्लाइड बाई डीवाई बाई डी एक्स, इसको रख देंगे वन, एंड वाई मल्टीप्लाइड बाय वन. वाई किसके बराबर है? एस के बराबर है. ठीक है, अब आप देखो यहां पर भी चालाकी की है. क्या है? इस जगह पर ध्यान देना, इस जगह से जो फ्लो होगा, इस जगह से जो फ्लो होगा, या फिर इस जगह से जो फ्लो होगा, या फिर इस जगह से जो फ्लो होगा, क्या बराबर होगा? रास्ता एक ही है, यहां से जितना पानी निकलेगा वो यहीं से निकलेगा, वो यहीं से निकलेगा. तो मैंने इस जगह का एरिया कंसिडर कर लिया. तो एरिया के लिए आपको वाई लिखना था, वाई इंटू वन, तो वाई कितना लिख दिया, वाई बराबर एस के बराबर है. ठीक है, तो यहां लिख दिया आपने, दिस इज इक्वल टू व्हाट, एस. तो यहां पर आपको मिल गया द डिस्चार्ज क्यू इज अंडर रूट ऑफ के एक्स के वाई मल्टीप्लाइड बाय एस. सिंपल सा फॉर्मूला मिला. ठीक है, इक्विवेलेंट परमिबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय एस. अगर आप पिछले केस की बात करें, अनकन्फाइंड में जो रिजल्ट आया था वो आया था, क्या रिजल्ट था, के मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एच मल्टीप्लाइड बाय एन एफ बाय एन डी. और कन्फाइंड अनकन्फाइंड फ्लो में जो रिजल्ट आया है वो है डिस्चार्ज इज इक्वल टू के ई मल्टीप्लाइड बाय एस. ठीक है, और बेसिकली एस क्या है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है. मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं ये, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको भी ट्रांसफॉर्म करके निकाला जाता है. ठीक है, तो आप तो ये लिख लो, वेर एस इज द ट्रांसफॉर्म्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो डायग्राम में दिखा रखी है, दिस कैपिटल एस, ये एक्चुअल डिस्टेंस नहीं होगा, ये कौन सा होगा, द ट्रांसफॉर्म्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. लिख लो आप इसको, दिस कैपिटल एस इज द ट्रांसफॉर्म्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. बात आ गई समझ में, हटा दूं इसको. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब है. ठीक है, अब फॉर्मूले तो आ गए आपके पास में, अगर ट्रांसफॉर्म का मतलब समझना है तो ट्रांसफॉर्म का मतलब समझाता हूं मैं आपको. देखो ध्यान दो, जितना डिटेल में उतरोगे उतनी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, इधर देखो, 2D फ्लो के लिए हमने कल एक कंडीशन लिखी थी, मैंने लिखा था के एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल स्क्वायर एच बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस के वाई मल्टीप्लाइड बाई डेल स्क्वायर एच बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो लिखा था. तो ये इक्वेशन वैलिड है किसके लिए, होमोजीनियस सोइल के लिए, क्योंकि के एक्स पहले अंदर बैठा था और के वाई भी अंदर बैठा था, बाहर कब आएगा, जब होमोजीनियस है. फिर अगर आइसोट्रॉपिक कंडीशन लगा देते थे तो के एक्स और के वाई बराबर हो जाता था, जीरो में चला जाता था. ठीक है, लेकिन यहां रुके, अभी मेरे पास में सोइल जो है वो अनआइसोट्रॉपिक लिया आपने, तो इसका मतलब क्या है, के एक्स अलग है, के वाई अलग है,
तो अगर ऐसा केस हो, अगर ऐसा केस हो तो क्या करना पड़ता है, बस देखो आप ध्यान से, ठीक है? तो वो क्या होगा, डेल स्क्वायर एच बाई डेल एक्स स्क्वायर। मैं क्या इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, वन अपॉन के एक्स, ठीक है? इस के एक्स को यदि नीचे लाए तो क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन के एक्स, लिख दिया, कोई दिक्कत? और ये जो के वाई है इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन में मैं पूरे से डिवाइड कर देता हूं, इस के वाई से यदि आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट आपका ये बन जाएगा। तो बेसिकली यहां पर जो आपके पास में इक्वेशन है वो ऐसे है, दिस इज के वाई डिवाइडेड बाई के एक्स एंड दिस इज प्लस डेल स्क्वायर एच बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, अगर मैं एक रिप्लेसमेंट करूं, रिप्लेसमेंट क्या है, मैं यहां पर एक्स मल्टीप्लाइड बाई ये जो चीज है अंडर रूट ऑफ के वाई मल्टीप्लाइड बाई के एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, इस पूरी चीज को मैं एक्स टी लिख दूं, ये एक्स स्क्वायर था तो ये जब अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ के वाई बाई के एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, इस पूरी चीज को मिला करके मैंने एक्स टी लिख दिया, तो इक्वेशन कैसी दिखनी शुरू हो जाएगी, इक्वेशन दिखनी शुरू हो जाएगी डेल स्क्वायर एच बाई डेल एक्स टी प्लस डेल स्क्वायर एच बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। बात आ रही है समझ में? तो ये इक्वेशन अब वैसी ही दिखाई दे रही है जैसा आपको सिंगल जब के दिया जाता था तब दिखाई देती थी, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को एज इट इज नहीं लेना है, क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करके लेना है। तो व्हाट इज द ट्रांसफॉर्म फैक्टर, अंडर रूट ऑफ के वाई बाय के एक्स, लिख लो आप, ही जो ट्रांसफॉर्म फैक्टर है अंडर रूट ऑफ के वाई बाय के एक्स के बराबर है। तो आपने यहां पर इक्विवेलेंट परमिबिलिटी यूज करी है, ट्रांसफॉर्म फैक्टर आप यूज करें। नोट कर रहे हैं आप लोग? समझ में आया, यदि आता है ना तो आप रिएक्शन दिया करो, क्योंकि चार चीजें और अंदर छुपी रहती है तो बाहर तभी निकलेगी जब आपकी तरफ से रिएक्शन आएगा। क्या आया समझ में, आया समझ में सब लोगों को? ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी सोच रहा था बताऊं बताऊं नहीं बताऊं, चलो बता ही देते हैं। मोती सिंह आ गया समझ में? देना पड़ेगा इम्परमिबल स्टाटा, नहीं देगा तो फिर दो तरफ से फ्लो कर देना। इंजीनियर्स के पास में एक ही ऑप्शन रहता है, अगर दो चीजें कंबाइन हो इंडिपेंडेंटली जो रिजल्ट आए उनको ऐड कर दो। यही करते हैं आप, अगर मान लो क्वेश्चन बना दिया जाए, इन्होंने बोला कि सर इम्परमिबल स्टाटा ना हो तो क्या होगा, नीचे से भी फ्लो होगा ऊपर से भी फ्लो होगा, दोनों फ्लो को अलग अलग निकालो ऐड कर दो आंसर दे दो, अगर ऐसा हो जाए तो। ठीक है, बात आ रही है समझ में? फ्लूड में होता है ऐसा, इस तरीके का केस आता है आपका फ्लूड में, वो केस कैसा है देखो ध्यान देना। आपके पास में पैरेलल प्लेट जब होती है, ठीक है, पैरेलल प्लेट, तो फ्लूड में एक केस आता है, एक तो फर्स्ट क्लास वाला कि जब न्यूटन्स लॉ लगाते हैं विस्कोसिटी का, प्लेट को मूव करवाते हैं तो यहां पर कुछ ना कुछ फ्लो होता है, ठीक है, वो देखा जाता है। दूसरा, जब आप आगे जाकर के पाइप फ्लो और पैरेलल फ्लो को जब रीड करते हैं तो ये वाली चीज आपको दी जाती है, इनके बीच में से फ्लो होता है, ठीक है? तो बेसिकली जब क्वेश्चन आते हैं आजकल एग्जाम के अंदर, जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो ये केस दे देता है, दोनों को मिला के दे देता है। अगर दोनों को मिला करके दे दें तो क्या करेंगे, दोनों फ्लो ऐड कर देंगे। तो ऐसा कई जगह पे किया है, गेट में भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इन्होंने साफ साफ पूछा कि सर इम्परमिबल बाउंड्री ना हो नीचे से भी फ्लो हो तो क्या होगा, अर्थ मटेरियल से भी फ्लो रहे। वैसे ऐसा नहीं होगा, इसको डैम को बर्बाद थोड़ी ना करना है, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन ही नहीं है, ठीक है? लेकिन नहीं, फिर भी इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन से भी आ जाए, किसी ने बना दिया है कॉन्क्रीट डैम बनाएगा तो कहां पर वो रेस्ट करेगा, वो सॉफ्ट सॉइल वगैरह वहां पर रेस्ट करवा सकते हैं क्योंकि वेट के कारण स्टेबल रहता है, लेकिन ये पहले से ही कच्चा डैम है, अर्थन डैम है, और यहां पर इम्परमिबल स्ट्राटा ना हो, हार्ड सॉइल ना हो तो डैम स्टेबल भी नहीं रहेगा, ठीक है? लेकिन फिर भी क्वेश्चन दे दें तो दिस फ्लो प्लस ये वाला फ्लो, ठीक है, मिला करके टोटल फ्लो कर देंगे, ठीक है? आगे चले, इसमें कुछ बता रहा हूं मैं, आगे देखो जरा। अगर मुझे 2D फ्लो के केस में, जब अलग अलग आपके पास में ये चीज होती है और मुझे वेलोसिटी बतानी है x डायरेक्शन में, ध्यान देना, ये तो हो गया kx और ये हो गया ky, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन बतानी है x डायरेक्शन की, तो क्या लिखेंगे, kx मल्टीप्लाइड बाय i, k इनटू i इज व्हाट, डार्सीज लो, और i क्या होगा, i हो जाएगा आपका डेल्टा h डिवाइडेड बाय l, ठीक है, l, और l भी कौन सा, मान लेते हैं जैसे फ्लो हुआ इस डायरेक्शन में, देखो ध्यान दो, सोइल में फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये लेंथ आपके पास में एक्चुअल लेंथ कितनी एल है,
जैसे मान लो 2 मीटर की लेंथ दे रखी है, तो 2 मीटर एक्चुअल लेंथ है, ठीक है। क्या करना है देखो, ध्यान दो। अब vx जो होगा, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन जो होगी वो कितनी होगी, kx x डायरेक्शन की परमिबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय दोनों पॉइंट का हेड डिफरेंस डेल्टा h डिवाइडेड बाय l। बात आ गई समझ में? अब देखो, अब यहां पर अगर मुझे इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करवाना है, तो ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करवाने का क्या तरीका, अभी अभी देखा था कि आपको यदि ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करवाना है तो एक्स जो होगा, एक्चुअल जो होगा, उसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ के एक्स डिवाइड बाय के वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स ट्रांसपोज। नजर आते हैं, इस इक्वेशन में एक्स को यहीं रखा, इसको इधर ले गए, तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ के एक्स बाय के वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स ट्रांसपोज। अब क्या करो, डेल्टा एच डिवाइडेड बाई ये एक्चुअल लेंथ है, तो एक्चुअल लेंथ को यदि कन्वर्ट करवाओगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ के एक्स मल्टीप्लाइड बाय के वाई मल्टीप्लाइड बाय एल, ये कौन सा बन गया, ट्रांसपोज वाला बन गया, ठीक है। तो यहां पर जो आपके पास में रिजल्ट आया, देखो इस रिजल्ट को, अंडर रूट के एक्स यहां है, यहां के एक्स है, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ के एक्स, और ये के वाई ऊपर जाएगा, तो ये के वाई बन जाएगा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एच एल टी। तो ट्रांसफॉर्म्ड डायमेंशन लिखनी है, और यहां क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट परमिबिलिटी हो गई। तो जब भी इक्विवेलेंट परमिबिलिटी यूज करोगे किसी एक्सप्रेशन में, जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होगी वो होगी। बात आ गई समझ में? और ट्रांसफॉर्म कैसे निकलेगी, ये फैक्टर लगा के, जो ओरिजिनल डायमेंशन है उसमें ये फैक्टर लगा दोगे तो ट्रांसफॉर्म्ड डायमेंशन बन जाएगी। नोट कर लो इसको भी, आगे बात समझ में? सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स है, फॉर्मूले याद करो, कॉन्सेप्ट्स भी ध्यान रखो। Where LT is the transformed dimension. LT क्या है? Transformed dimension है. बंद कर दो इसको।